आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है। हमने अभी तक इलस्ट्रेशन 12 तक कंप्लीट कर लिया है इंडिया 16 का, जो कि है टोटल इलस्ट्रेशन 13। उसमें एक लास्ट इलस्ट्रेशन बाकी है, प्रोवाइडेड इसमें कुछ टेस्ट योर नॉलेज है, मतलब आपके नॉलेज को किया जाएगा टेस्ट और हम रहेंगे आपके साथ। तो वो भी देर आर 6 टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन, ओके, एंड वी विल डू इट आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 13। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 13। क्या बोलता है? ऑन 1st अप्रैल 2001 सन लिमिटेड परचेज सम लैंड, 10 मिलियन का लैंड खरीदा, इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। लीगल कॉस्ट उसमें 1 मिलियन था, 10 मिलियन में से 1 मिलियन लीगल कॉस्ट, अच्छी बात है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री, बिल्कुल सही, एक नया फैक्ट्री बनाने के लिए उन्होंने लैंड खरीदा जिसमें लीगल कॉस्ट 1 मिलियन लगा। कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड 1st May 2001, कंस्ट्रक्शन का काम अगले महीने से शुरू हो गया 1st May 2001, ठीक है। सन लिमिटेड इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन विद द कंस्ट्रक्शन, कुछ खर्चे हैं जो इन्होंने इंकर्ड किया आपको बताया हुआ। पहला, प्रिपरेशन एंड लेबरिंग ऑफ द लैंड, लैंड को प्रिपेयर करना, ओके। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मटेरियल खरीद के लाना, मटेरियल का खर्चा। फिर आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन मतलब फैक्ट्री वर्कर का एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट है 2 लाख पर मंथ है, रिपीट पर मंथ, ये याद रखना। ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, डायरेक्टली सिर्फ उसी के कंस्ट्रक्शन पे लगा, ये भी 1 लाख पर मंथ, ये भी याद रखना। ऑन गोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, ऑन गोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड to the construction project using the company's normal overhead allocation model, ये 50,000 per day, ये allocated cost है। Income received during the temporary use of the factory premises as a car park during the construction period, parking के लिए दे के रखा हुआ था 50,000 रुपया, वहाँ से उन्होंने construction period में कमाया, that is income, not the expense, earlier all of those are expense। Now, cost of relocating employees, employee को shift करना एक factory से दूसरी न्यू फैक्ट्री में, वो 3 लाख रुपए का खर्चा आया, दिस इज एन एक्सपेंस, शिफ्टिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, मुहूर्त निकालना, पूजा कराना, ये सारा खर्चा 1,50,000। द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 30th November, मतलब कि काम शुरू हुआ था 1st May से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 4-7 मंथ में कंप्लीट हो गया। एंड प्रोडक्शन बिगन ऑन 1st February, प्रोडक्शन 1st February 2002 से शुरू हुआ। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज एस्टिमेटेड 40 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, के साथ 40 साल तक ही चलेगा यूजफुल लाइफ। इट इज एस्टिमेटेड द रूफ विल बी रिप्लेस 20 years आफ्टर द डेट ऑफ द कंप्लीशन, मतलब 20 साल बाद रूफ का जो है टॉप है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, रिप्लेसमेंट उसको चाहिए। And the cost of replacing the roof or at the current price should be 30% of the total cost of the building. और उसको 20 साल बाद जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो एक एडिशनल खर्चा लगेगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग लगाना पड़ेगा। फिर आगे बोलता है, एट द एंड ऑफ द 40 years, 40 साल के बाद सन लिमिटेड हैज़ अ लीगल इन्फोर्सिएबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रिस्टोर द साइट ऑफ द ओरिजिनल। तो ये हो गया ड्रॉल, डिकमीशन, रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटी का खर्चा, कि भैया जब हम छोड़ के जाएंगे इसको तो क्या होगा। लीगल रिक्वायरमेंट है कि इसको आप डिस्ट्रॉय करके जाओगे, डिमोलिश करके जाओगे, यहाँ पे कुछ और रहना नहीं चाहिए, जैसा पहले था वैसा होना चाहिए। द डायरेक्टर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इन द 40 years टाइम बेस्ड ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम विल बी 20 मिलियन। एन एनुअल रिस्क 20 मिलियन का खर्चा लगेगा। An annual risk adjusted with the discount in appropriate is 8% का discounting rate. So the present value of one payable in 40 years time of an annual discount 8 is
उसका प्रेजेंट वैल्यू है ₹4.6। इससे बेसिकली अपनी इसका इनिशियल एस्टिमेट निकालेंगे प्रोविजन फॉर ड्रॉल का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये प्रोविजन फॉर ड्रॉल के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट के लिए दिया हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट इधर, एक कॉन्सेप्ट इधर है। फिर बात आती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज पार्टली फाइनेंस बाई अ लोन। 17.5 मिलियन लोन लेके इन्होंने 1 अप्रैल को लिया हुआ था, उसे फाइनेंस किया हुआ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2001 टू 31st August, व्हेन द लोन प्रोसीड्स हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, सर लिमिटेड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 1 lakh ऑन द टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड्स। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल टू अगस्त 2001, जब लोन प्रोसीड्स हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड, जब लोन पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया था टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, सन लिमिटेड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इनकम, उससे उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट इनकम ली ऑन द टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीडर्स, उससे एक इन्वेस्टमेंट का इनकम इनको आया, दैट इज टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड्स। उस प्रोसीड्स का एक टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट था, उससे उन्होंने 1 lakh rupees कमाया भी। फिर मतलब इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंस हुआ था उससे भी उन्होंने 1 lakh rupees कमाया। ये एक अलग है बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। कंप्यूट करिए कैरिंग अमाउंट क्या होगा फैक्ट्री का, मतलब कॉस्ट क्या है एज एट 31st March 2002 ईयर की क्लोजिंग। यू शुड एक्सप्लेन योर ट्रीटमेंट ऑल द अमाउंट सफर्ड इन द योर क्वेश्चन। हर चीज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या था, रिप्लेसमेंट का था, ये था प्रोविजन फॉर ड्रॉल वाला कॉन्सेप्ट, और ये है बोरिंग कॉस्ट। लंबी चौड़ी कहानी है इन तीनों की, और बाकी सारा ऊपर नॉर्मली दिया हुआ है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हमें बस रीजन देके बताना है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, तो वो बहुत इजी है। चलिए करते हैं कि करके। परचेज ऑफ लैंड 10,000, मतलब 10 million लगा हुआ था, तो बोथ द परचेज ऑफ द लैंड एंड द एसोसिएटेड लीगल कॉस्ट आर डायरेक्टली डायरेक्ट कॉस्ट टू द कंस्ट्रक्शन। बेसिकली जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, टू ब्रिंग प्रेजेंट ब्रिंग इन प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट, जिसको हम लोग LCIM रहता है, उसको ऐड करते हैं। ये आपको पता है, हमने बात की थी IND AS 16 में, जब कॉस्ट इनिशियल रिकॉग्निशन की बात की थी। तो प्रिपरेशन एंड लेबलिंग में इन्होंने खर्चा जो किया है वो 3 lakh rupees वो भी आएगा, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद मटेरियल इन्होंने खरीदा है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, और ये खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल का 6.8 million और प्रिपरेशन का, दोनों ये आएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर, एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है। डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, ये डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क, वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये पर मंथ है, तो इसको अपने हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा जितना महीने के लिए काम हुआ है, सॉरी। तो पर मंथ है, तो कितना महीना में काम हुआ था, 7 months में काम हुआ था, तो 7 months कैसे, 1st May से काम शुरू हुआ तो 30th November को ख़त्म हो गया, तो 2 × 7 = 14 और 1 × 7 = 700। फिर बात आती है ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड। एलोकेटेड कॉस्ट हम लोगों ने LCM में एक्सक्लूड किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें एक्सक्लूड किया हुआ था, तो ये नहीं आएगा। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्पोररी यूज ऑफ द फैक्ट्री प्रमाइसिस, इनकम जो आपका हुआ है तो क्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन शो रिकॉग्नाइज डायरेक्टली इन द प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है इनकम। एलोकेटेड ओवर नॉट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये सारे डायरेक्ट कॉस्ट हैं, इसलिए रीजन भी आपको मैं साथ साथ बता दूँ। रीलोकेशन कॉस्ट, ये अगर आपको याद हो तो LCIM में हमने शिफ्टिंग का एक्सपेंसिस और इसको एक्सक्लूड किया था,
ओपनिंग सेरेमनी पूजा एक्सपेंस को तुमने फिर से एलसीएम में एक्सक्लूड किया था बिकॉज दिस इज नॉट द डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट आएगा. कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड इन अ 8 month पीरियड परचेज ऑफ द लैंड वुड ट्रिगर ऑल द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑन द लोन प्रोसीड वो माइनस हो जाएगा. ये दो चीज आपको समझनी पड़ेगी. ये एक दूसरे से रिलेटेड है. नहीं ये अलग है. फाइनेंस कॉस्ट के बारे में अपने बात करते हैं. 700 और तो ये 700 कैसे आया. 700 बोला है कि कैपिटलाइज करने के लिए हमने लोन कब लिया था. लोन टेकन है अप्रैल में और कंस्ट्रक्शन चला है नवंबर तक. तो ये यूटिलाइज हुआ टोटल 8 month के लिए. तो यहाँ लिखा है ना कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड इन एन 8 month पीरियड परचेज ऑफ द लैंड वुड ट्रिगर ऑफ द कैपिटलाइजेशन. मतलब परचेज ऑफ लैंड से लेके जो कि अप्रैल से शुरू हुआ था टिल नवंबर तक दैट इज 8 month. अब आपका लोन था 7.5 million. इसको डिवाइड 6% निकाली 8/12 दैट विल कम अराउंड 0.7 दैट इज 7 million. आई मीन 0.7 million. तो ये आ गया ठीक है 7 lakh बेसिकली. अब बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द लोन प्रोसीड्स. इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द लोन प्रोसीड्स. आपने क्या किया था. आपने 17.5 लेके एक टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट भी करके रखा था क्योंकि आप फुल्ली एक ही बार यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वहाँ से आपने 1 lakh रुपया कमा लिया. तो उसको आपको क्या यहाँ से करना होगा रिड्यूस जो कि आप उससे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. टोटल खर्चा आपका तो 6 lakhs ही हुआ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना. आपने उसको क्या किया टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट करके 1 lakh रुपया कमा लिया. शायद इक्विटी में पैसा लगाया हो या फिर कहीं पे भी आपने लगा के उसको कमा लिया तो दिस विल बी एक्सक्लूडेड ठीक है. तो ये हो गई बात. फिर बात करते हैं अपनी एक जो ऊपर हमने बात की थी प्रोविजन फॉर ड्रॉल के लिए. डिमोलिशन कॉस्ट रिकॉग्नाइज एज अ प्रोविजन. तो डिमोलिशन कॉस्ट अपने को प्रोविजन फॉर ड्रॉल में रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी. तो विल बी क्या था डिमोलिशन इन 40 years विल बी 20 million एंड एनुअल रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड विच इज अप्रोप्रिएट 8% पे हमें डिस्काउंट रेट करना पड़ेगा. चालीस साल बाद मुझे हमें इतना करना होगा तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 पेबल इन 40 years टाइम एट द एनुअल रिस्क टाइम इज 4.6. तो 1 रुपये के लिए आपको 4.6 के हिसाब से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो उसको अगर आप निकालेंगे तो इतना आएगा 9.2. तो 9.2 कैसे आएगा. आप अगर 40 लाख आपका वैल्यू है ना 20 लाख को अगर प्रेजेंट वैल्यू जो आपका है 4.6% से अगर डिस्काउंट कर देंगे तो आ जाएगा 0.92 तो दैट इज 9,20,000. तो इसको डिस्काउंट का प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है कि आप 40 साल में अगर डिस्काउंट करते हो 8% के हिसाब से सो फैक्टर आएगा 4.6. तो उससे अगर आप इंटू करोगे तो आपको पता चल जाएगा 920. सो 20 × 4.6% करिए आपका वैल्यू आ जाएगा. यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 पेबल मतलब 1 का 4.6 मतलब 4.6%. ओके नाउ सो ये आ गई आपकी पूरी टोटल कॉस्ट दैट कम्स अराउंड 20 million. बिल्कुल 20 million आती है. अब फिर आपसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछा गया है यहाँ पे. सो टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट है 10 million. अब ये क्यों है क्योंकि इसमें लैंड भी है और बिल्डिंग भी है. सो बिल्डिंग कॉस्ट विल बी डेप्रिशिएटेड नॉट द लैंड. लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता. और डेप्रिशिएशन दो पार्ट में होगा
रूफ कंपोनेंट का अलग होगा और डेप्रिसिएशन ऑफ रिमाइंडर मतलब और बाकियों का अलग होगा, और कब से होगा ये भी देखने की ज़रूरत है, और ये कितना होगा। नवंबर में कंप्लीट हुआ तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट विल बी 4 मंथ जो कि यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। रूफ कंपोनेंट अलग है और रिमाइंडर अलग है। रूफ कंपोनेंट कितना है 30% क्वेश्चन में दिया हुआ, और वो 20 साल तक ही रहेगा जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप तो पता चल जाएगा। 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो रूफ का क्या है रिप्लेसमेंट के बारे में बताया ना, तो 20 साल ही चलेगा। इट इज़ एस्टिमेट दैट द रूफ विल नीड टू बी रिप्लेस्ड इन 20 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ कम्प्लीशन, डेट ऑफ कम्प्लीशन के 20 साल बाद उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो रूफ की लाइफ कितनी 20, तो 10 मिलियन इंटू 30% जो कि उसकी कॉस्ट है 30%, तो ये हो गया आपका रूफ का डिप्रिसिएशन और ये हो गया रिमेनिंग का। सो दैट विल कम्स टोटल अराउंड 108 और ये डिप्रिशिएट होके जस्ट फॉर 4 मंथ ऑन 31 मार्च 2002 को ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द इट्स अ फुल फ्लेजर्ड कॉस्ट का कंप्यूटेशन का क्वेश्चन। एक बार फिर से रिवाइज कर देते, प्रिपरेशन एंड लेबलिंग 10 मिलियन तो ये कॉस्ट आएगा ही आएगा, प्रिपरेशन का कॉस्ट आएगा, परचेज का मटेरियल कॉस्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर बिल्कुल आएगा, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा ओवरहेड कॉस्ट, ऑनगोइंग एलोकेटेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, इनकम जो कि कार पार्किंग से है जी बिल्कुल ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है तो ये नहीं आएगा, रिलोकेटिंग शिफ्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं आएगा, ओपनिंग सेरेमनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं आएगा। ये 40 साल की यूजफुल लाइफ है जिसमें रूफ 20 साल ही चलेगा, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। और रूफ की रिप्लेसमेंट कैसे हम लोग जानेंगे, रूफ का कॉस्ट होगा पार्ट है 30%, तो ये पार्ट आपको डिप्रिसिएशन में और फिर फ्यूचर में जाके 20 साल बाद आप रिप्लेसमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो। कहाँ गया पेन यार, से डिप्रिसिएशन में यूज़ हो गया आपके, डिप्रिसिएशन ऑफ 30% दैट इज रूफ, ठीक है। फिर बात आती है ये 40 इयर्स, ये प्रोविजन फॉर डॉल बनाने में 20 मिलियन का आपको फ्यूचर मतलब 40 साल बाद लग रहा है आपका ये खर्चा होगा, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए 4.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.6 मतलब फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है कि इतना करने से आपका आ जाएगा 0.920 दैट इज़ 920,000। फिर आता है कंस्ट्रक्शन 70, अब ये एक आपने बोरिंग कॉस्ट है, वी हैव अज्यूम कि क्वालिफाइंग एसेट है इसलिए हमने इसको कैपिटलाइज किया है, तो 17.5 मिलियन पे अपने 8 मंथ का मतलब 6% का इंटरेस्ट रेट 8 मंथ का लगाएंगे तो इट विल कम अराउंड 7 लाख एंड वी विल माइनस 1 लाख बिकॉज इसी 17.5 लाख को इन्वेस्ट करके इन्होंने कुछ इनकम भी कमाया, तो टोटल आएगा उससे कम। तो ये होगी आपकी पूरी कहानी, है बहुत ही शॉर्ट, जो अभी हमने रिकैप बताया उससे आपको समझ में आ गया होगा, ऑल दो इसके ऊपर हमने 12-15 मिनट ले लिया होगा। चलिए ABC when installing a new plant at the production facility it has incurred these costs, cost of the plant, cost per supplier invoice plus taxes, आएगा बिल्कुल आएगा, initial delivery and handling cost बिल्कुल आएगा, cost of site preparation आएगा, consulting used for advice of the acquisition of the plant, consultation services used for acquisition of the plant के लिए बिल्कुल आएगा, इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू द सप्लायर ऑफ द प्लांट डेफर्ड क्रेडिट, इंटरेस्ट चार्जेस नहीं आने चाहिए, देख लेंगे एक बार फिर से। एस्टिमेटेड डिसमेल्टिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद खर्चा होने वाला, तो ये प्रोविजन फॉर ड्रॉल आना चाहिए। ओपनिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये लॉसेज कैन नॉट बी पार्ट, तो इसको देखते हैं इसमें क्या है, कॉस्ट में क्या चीज़ इंक्लूड हुआ है क्या क्या एक्सक्लूड हुआ है। सो वी वर राइट, यस वी वर राइट, सारी चीज़ हमने सही बोली है, कॉस्ट सही है, इनिशियली ये सही, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कंसल्टेशन फीस इतना, तो ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज पेड टू द डिफर टैक्स पे टू द सप्लायर प्लांट नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट 2 लाख है, और द ओपनिंग लॉस ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन अमाउंट है, और 4 लाख नॉट रिकॉर्ड एज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये दोनों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो बेसिकली वही चीज़ इन्होंने रिपीट की है और कोई बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये टेस्ट और नॉलेज है, तो आपके नॉलेज को टेस्ट करना है, इसलिए थोड़ा सा क्विक करते हैं अपने इसको, वही चीज़ रिपीट होती है, ऊपर जो पूछा वो नीचे भी पूछता है। ए लिमिटेड हैज़ एन आइटम ऑफ प्लांट विथ इनिशियल कॉस्ट, इसका इतना, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, आप फिर से इसको कर लीजिएगा,
क्या था इसमें, रिवैल्यूएशन था। इसमें हमने दो मेथड फॉलो किया था, एक नेट मेथड और एक प्रोपोर्शनेट मेथड हमने फॉलो किया था। नेट मेथड में क्या हुआ था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पीपीई को रिड्यूस करके फिर पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दिया था। प्रोपोर्शनेट में 44.4% से ग्रॉस ब्लॉक को भी बढ़ाया था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाया था, ये अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए ये कर लिया हमने। फिर बात आती है दूसरे की, बी लिमिटेड ओन्स एन एसेट विथ एन ओरिजिनल कॉस्ट इतना है, ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमाइन द यूजफुल लाइफ 10 होगी, रेसिडुअल इतना होगा। द एसेट इज नाउ 8 ईयर्स ओल्ड, एसेट अब 8 साल पुराना हो गया, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देर हैव बीन नो रिविजन इन द रेसिडुअल वैल्यू, दो 20 का 20 ही है। एट द एंड ऑफ द 8 ईयर, 8 साल बाद मैनेजमेंट ने रिवाइज कर दिया उसका यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू, एंड डिटरमाइन दैट द यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड 12 years in the view the maintenance program adopted by the manager as a reserve residual value will be 10,000. अब 2 लाख का एसेट था, उसमें 20,000 इनका क्या था, रेसिडुअल वैल्यू, और ये हो रहा था डेप्रिशिएट 10 साल की यूजफुल लाइफ के लिए। तो अभी अगर 8 साल के एंड पे देखा जाए तो 2,81,000 मतलब 18,000 के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा था, तो 18 × 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या वैल्यू, उसका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, फिर उसको नए वैल्यू से डेप्रिशिएट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो जो कि इजी है, जैसे हमने बोला था वैसे ही किया हुआ है यहाँ पे भी, देखिए 18 × 8 किया 144,000, फिर रिवीजन हो जाएगा, 4 साल बाकी है तो 46 बचा हुआ है, 56 बचा हुआ, मतलब 2 लाख में से अगर आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,44,000 हो गई तो टोटल वैल्यू बची 56,000, बट यहाँ पे आपका रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो गया, 10,000 हो गया, और आपका करंट जो यूजफुल लाइफ रिमेनिंग है वो इतना है, फिर डिवाइडेड बाई 4 तो 11,500 रुपये नया डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा फॉर द 4 ईयर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड हैज अ मशीन विच गॉट डैमेज ड्यू टू फायर, ठीक है, द कैरिंग अमाउंट कितना था, 1,00,000 ऑन दैट डेट, सोल्ड द डैमेज ऐसे एज ए स्क्रैप, 10,000 को उसने बेच दिया, उन्होंने उसको इंश्योर भी किया था। 31 मार्च 2001 को कॉम्पनसेशन प्रोसीड वॉज स्टिल इन द प्रोसेस, बट द इंश्योरेंस कंपनी हैज कन्फर्म दैट द क्लेम कॉम्पनसेशन ऑफ 50,000 रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, हाउ विल अकाउंट फॉर द। भाई साहब देखो, 1,00,000 का एसेट था, डैमेज हो गया, 10,000 का मैंने बेचा, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें अभी क्लेम 50,000 का मिलना बाकी है, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम दे देंगे, तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। इंपेयरमेंट और लॉस ऑफ टाइम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट रिलेटेड टू द क्लेम्स फॉर द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड सेपरेट इकोनॉमिक एंड इवेंट शुड बी एक्सटेंडेड फॉर सेपरेट, एक्सटेंडेड शुड अकाउंट द अबव ट्रांजैक्शन एज गिवन, उनको कैसे अकाउंट करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप मशीन, एक्स लिमिटेड शुड राइट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट बुक वैल्यू ऑफ अमाउंट एंड प्रोवाइड द लॉस ऑफ 90,000, कैरिंग अमाउंट इतना, रियलाइज अमाउंट इतना, तो उन्हें 90,000 का लॉस बुक करना चाहिए क्योंकि उन्होंने लॉस कर दिया 1,00,000 का एसेट, जिसका अभी जो स्क्रैप सेल कर रहे हैं वो तो 10,000 ही आया है। सो ऑन 31 मार्च एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज इनकम ऑफ 50,000 अगेंस्ट द कंपनसेशन रिसीवेबल इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये को क्या करना चाहिए, कॉम्पनसेशन रिसीवेबल के नाम से, जो कि इंश्योरेंस उन्होंने पहले ही पे करके रखा हुआ था, उसका कॉम्पनसेशन रिसीवेबल बोल के 50,000 की इनकम बुक करनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, दो कॉन्सेप्ट, दो चीज़ इसमें बोला है कि आप जब भी कोई स्क्रैप बेच रहे हो तो उसकी कैरिंग अमाउंट से जो अमाउंट आपका अभी सेल हुआ है, सेल वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में जो डिफरेंस हो, तो क्लियरली आपका लॉस है उसको। तो देखो यहाँ पे 1,00,000 की आपकी क्या थी, कैरिंग अमाउंट थी, जिसमें से आपको 10,000 रुपया मिला, तो 90,000 इज़ वॉट योर लॉस एंड दैट यू शुड बुक, और 50,000 जो आपको क्लेम मिल रहा है एंड दिस इज़ वॉट, दिस इज योर इनकम एंड यू शुड चार्ज इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एज अ कॉम्पनसेशन रिसीवेबल और रिसीव्ड। डन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर, ओह माय गॉड, ओके, डीकमिशनिंग लायबिलिटी एंड
और रिलेटेड डीकमिशनिंग लाइबिलिटी. न्यूक्लियर पावर आदमी जब दिमाग में आएगा तो भैया नॉर्थ कोरिया याद आ जाता है. एन एंटिटी हैज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अ रिलेटेड डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, और उसके साथ एक रिलेटेड डीकमिशनिंग लाइबिलिटी. द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1 अप्रैल 2001. जो न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, जिसकी यूजफुल लाइफ अपनी वो क्या मतलब भाई, यूजफुल लाइफ 40 साल का है. इनिशियल कॉस्ट 1,20,000 का था, इसमें से डिकमिशनिंग का कॉस्ट इंक्लूडेड था, अच्छी बात है. विच रिप्रेजेंट 70,400 इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो पेबल इन 40 ईयर्स डिस्काउंटेड रिस्क एडजस्टेड रेट एट 5%. कोई बात नहीं, 40 साल बाद वो 70,000-40,000 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. हमें ये देखना है कि आज के रेट में वो क्या है, ठीक है. द एंटिटी फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन मार्च. अच्छा, ये प्रोविजन फॉर ड्रॉल वाला समय, इसमें क्या है. अब क्वेश्चन ये है, आपके पास एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसको आपको डीकमिशनिंग करनी है, मतलब उसको डिसमेंटल करके आपको जाना है, जिसका आपने इनिशियल कॉस्ट 10,000 इनिशियल एस्टिमेट, हमेशा ये इनिशियल एस्टिमेट पे बुक होता है, और उसका फ्यूचर वैल्यू जो है 70,400, उसका इनिशियल एस्टिमेट 10,000 है, उस पर आपने कॉस्ट में ऐड करके रखा हुआ, ये कहानी अभी तक है. ऑन मार्च 2011 में क्या हुआ, अप्रैल 2001 से 10 साल बाद वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग रिड्यूस हो गई 8,000 से, मतलब 8,000 से रिड्यूस हो गई. डिस्काउंट रेट हैज नॉट इट चेंज, डिस्काउंट रेट वही है. हाउ द एंटिटी विल अकाउंट द अबव चेंजेस इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी, इट अडॉप्ट्स कॉस्ट मॉडल. उन्होंने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया है. तो आपको याद होगा हमने दो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, चेंजेस इन ड्रॉल से रिलेटेड. कॉस्ट मॉडल है तो क्या है, और रिवैल्यूएशन मॉडल है तो क्या है. कॉस्ट मॉडल आपको बुक वैल्यू ऑफ पीपीई से एडजस्ट करना पड़ेगा, अदर इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व से आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा. तो ये कॉस्ट मॉडल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपकी कॉस्ट कम हो रही है. तो कॉस्ट कम हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉल अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट डेबिट टू पीपीई, मतलब पीपीई को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 8,000 से, ये एंट्री पड़ेगी. देखते हैं आगे क्या किया हुआ है ये लोग. ठीक है, ये डीकमिशनिंग लायबिलिटी प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग टू कॉस्ट ऑफ द एसेट, सीधा यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया, और कोई बात नहीं, सेम एज इट इज वी हैव डन. ठीक है, फिर बात आती है अगली. द एंटिटी हैज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर से डीकमिशनिंग लायबिलिटी है, और 1,20,000, 10,000, अभी तक तो क्वेश्चन सेम है. अज्यूम दैट द मार्केट वैल्यू, नया क्वेश्चन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन इज 1,50,000, इज ऑप्टेन ऑन 31 मार्च 2004. इट इंक्लूड्स एन अलाउंस ऑफ 11,000 फॉर डीकमिशनिंग लोन. अब हुआ क्या, 2004 को रिवैल्यूड हुआ वैल्यू, मतलब फिगर रिवैल्यूड हुआ 1,20,000 से 1,15,000 होगा, जिसमें से 11,600 रुपया डीकमिशनिंग का है. विच रिप्रेजेंट नो चेंज टू द ओरिजिनल एस्टिमेट, ओरिजिनल एस्टिमेट में कोई चेंज नहीं हुआ है. आफ्टर अनवाइंडिंग फॉर 3 ईयर्स डिस्काउंट ऑन 31 मार्च 2005, द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी हैज डिक्रीज बाई 5,000. जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डीकमिशनिंग लायबिलिटी की, वो रिड्यूस हो गई है 5,000 से, 11,600 था वो 5,000 से रिड्यूस हो गई. द एंटिटी मतलब 70,004 फ्यूचर का था, प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है. सो दैट द एंटिटी डिसाइड द फुल वैल्यूएशन ऑफ द एसेट इज नीडेड एट 30, और उन्होंने बोला कि इसको पूरी तरह रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट डिफर कर सकता है. So the asset is now valued at 1,07,000, which is net of the allowance for the reduced decommissioning obligation. How the entity will account the above changes in decommissioning liability and revaluation model? पहला क्वेश्चन हमने बात किया था तो एक कॉस्ट मॉडल पे था, जो हमने बताया कि डायरेक्ट बुक वैल्यू ऑफ पीपी से एडजस्ट करना पड़ेगा. जब रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या हो रहा है,
डिक्रीज बाई 5000, 5000 से डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से ये लोग एडजस्ट कर देगा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डीकमीशनिंग लायबिलिटी अकाउंट से इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये रहा डीकमीशनिंग लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये इन्होंने क्या किया, डीकमीशनिंग लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, मैंने बोला था रिवैल्यूएशन रिजर्व से ये लोग एडजस्ट कर देंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो पूरा हो गया अपना 5 और 6। 5 और 6 में और भी बहुत सारे रामायण कथा लिखा हुआ है, बट हमसे क्या पूछा हुआ है कि चेंजेस इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कैसे हम लोग अकाउंट करेंगे। तो मैंने बता दिया कि कैसे अकाउंटिंग करेंगे, पहला कॉस्ट मॉडल में बुक वैल्यू ऑफ पीपी से एडजस्ट कर देंगे, और दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे, जो कि एंट्री क्या होगी यहाँ पे होगी ड्रॉल अकाउंट डेबिट, या फिर जो भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीपी या एसेट कॉस्ट, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी रिड्यूस करना है, तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है डन। यहाँ पे 5000 की वैल्यू है और यहाँ पे 8000 की वैल्यू है, दिस इज डन। सो वी हैव डन द इलस्ट्रेशन एंड द टेस्ट योर नॉलेज, एंड वी हैव टेस्टेड योर नॉलेज, एंड आई बिलीव योर नॉलेज इज वेरी गुड, इजंट इट। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट इन डेज, एंड इट विल बी प्रोबेबली इन डेज what you will see in the next video. Thank you so much for the joining us, and keep learning and keep working hard isn't it. तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको चैनल पे, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और बस थैंक यू, बाय, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हम हैं, या फिर हमारी हैसियत।